स्टूडियो में आज है सौरभ प्रकाश। तो हम सौरभ प्रकाश से ये जानेंगे कि उनका करियर स्ट्रगल कैसे था। क्या आप हमें बता सकते हैं आपके करियर स्ट्रगल के बारे में? वेल, एक्चुअली स्ट्रगल तो सबके लिए है यहाँ पे, वो बड़े स्टार आए हों या मैं या कोई भी। स्ट्रगल के लिए मैं यही कहूँगा कि बहुत सस्ते से किराए के कमरे में रहा और दर बदर भटका। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी को बहुत जल्दी या बहुत देर से गॉड फादर तो मिल ही जाता है, तो मुझे भी एक गॉड फादर मिल गया जिन्होंने मुझे चांस दिया और मुझे बारीकी समझाई एक्टिंग के बारे में। और बस आज निगेटिव कैरेक्टर करता हूँ आप लोगों के सामने जैसा हूँ आ रहा हूँ। आपने प्रोत्साहन किससे लिया एक्टिंग का? प्रोत्साहन बेसिकली, चूंकि मैं बेसिकली एंग्रो नेचर का हूँ, तो नाना पाटेकर जी मेरे फेवरेट रहे हैं और मैं उनसे सीखता हूँ, क्योंकि उनकी डायलॉग डिलीवरी की जो स्टाइल है वो मुझे बहुत पसंद आती है। एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगी सौरभ सर आपसे, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी लव लाइफ के बारे में आप हमें जरा पर्सनल डिटेल बता सकते हैं? अब कहते हैं कि किसी का नाम लेकर उसे बदनाम करना अच्छा नहीं होता, तो थैंक यू, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करना चाहिए। पर फिर भी कोई हिंट, आपको पसंद है, कैसी लगती है, क्या करती है? अभी तो कैसा प्यार होता पता नहीं, पर जब मेरे टाइम में हुआ, मुझे हुआ तो अच्छा हुआ, एक बार हुआ दोबारा नहीं होगा और अच्छा प्यार था। तो आज हमने जाना सौरभ प्रकाश के बारे में, कुछ उनके स्ट्रगल की बातें, कुछ उनकी लव लाइफ की बातें। AM24 के साथ मनीषा नौटियाल, थैंक यू।